हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। माइनक्राफ्ट की एक ऐसी गलती के बारे में बात करने वाले हैं जो ज्यादातर नए प्लेयर्स करते हैं। जब आप माइनक्राफ्ट को डाउनलोड करते हो और उसे खेलना स्टार्ट करते हो तो आप सभी के सामने पॉपअप आता है। यहाँ पर आप सभी को फायर स्टोरेज को सेव करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपनी फाइल्स को कहाँ पर सेव करना चाहते हो, एप्लीकेशन में सेव करना चाहते हो या फिर आप इसे एक्सटर्नली सेव करना चाहते हैं। एंड ज्यादातर प्लेयर यहीं पे गलती करते हैं एंड बाद में वो परेशान होते रहते हैं। वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन को सिलेक्ट करते हैं और ये सोचते हैं कि हमने बिल्कुल सही सिलेक्ट किया है। और ये गलती मैंने भी की थी जब मैंने सबसे पहले गेम खेलना स्टार्ट किया था। तो गाइस, हमें ये लगता है कि हमें यहाँ पे एप्लीकेशन ही सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि गेम की फाइल तो एप्लीकेशन में ही होनी चाहिए ना। लेकिन गाइस, यहीं पे हम गलती कर जाते हैं। इससे होगा क्या, जब आप एप्लीकेशन सिलेक्ट कर दोगे तो जितने भी आपके वर्ल्ड एंड रिसोर्स पैक्स है वो इसी एपीके, ये माइनक्राफ्ट का एपीके तुमने डाउनलोड किया ना, इसके अंदर ही सेव होना स्टार्ट हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है, जब तुम इस एप्लीकेशन को या फिर इस एपीके माइनक्राफ्ट को डिलीट कर देते हो तो जितने भी तुम्हारे वर्ल्ड एंड रिसोर्स फाइल्स या फिर जितने भी फाइल्स है ना, वो सभी डिलीट हो जाती है। तो जितने भी माइनक्राफ्ट के नए प्लेयर है उनको यहाँ पर एक्सटर्नल ही सिलेक्ट करना चाहिए। इससे होगा क्या, इससे तुम्हारे मोबाइल के अंदर माइनक्राफ्ट नाम से एक फोल्डर बन जाएगा गेम्स नाम से, उसमें तुम्हारे वर्ल्ड एंड जितने भी फाइल्स है ना वो सेव होने लग जाएगी। और तुम अगर इस गेम को, इस एपीके को अनइंस्टॉल भी मार देते हो किसी नए वर्जन को डाउनलोड करने के लिए, तभी भी वो फाइल्स वहीं पे रहेगी। एंड जब तुम नया डाउनलोड कर लोगे ना तो वहां पर जैसे तुम एक्सटर्नल सिलेक्ट करोगे तो वो फिर से शो होना स्टार्ट हो जाएगी। यह काम तुम बाद में भी कर सकते हो। यहाँ पे आप सभी को सेटिंग में जाना है, स्टोरेज में जाना है, यहाँ पे तुम एप्लीकेशन से एक्सटर्नल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भाई कभी कभी है ना वर्ल्ड पूरे के पूरे उड़ जाते हैं। ओके, तुम बाद में करोगे ना तो पूरा भरोसा नहीं कि ये हो जाता है, पूरे वर्ल्ड उड़ भी जाते हैं, तो तुम सबको शुरुआत में ही एक्सटर्नली सिलेक्ट कर लेना। अब हम बात करते हैं तुम कब एप्लीकेशन सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर तुमने माइनक्राफ्ट को परचेस कर रखा है ना और तुम मोबाइल को चेंज नहीं करने वाले हो, तब तुम ये कर सकते हो। क्योंकि जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो तुम डायरेक्ट अपडेट कर सकते हो, गेम को डिलीट करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। इस तरीके से तुम एप्लीकेशन सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये लफड़ा तब हो जाएगा जब तुम अपनी फाइल्स को मूव करना चाहोगे, ओके, तो वो नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि जितने भी प्लेयर है उनको एक्सटर्नल ही सिलेक्ट करना चाहिए, ताकि आप अपनी फाइल्स को इधर उधर किसी को दे भी सकते हो। तो एक्सटर्नल सिलेक्ट कर लो, एप्लीकेशन में क्या रखा है भाई। और बहुत सारे से लोग हैं जो ये पूछते रहते हैं कि मैंने गलती से एप्लीकेशन सिलेक्ट कर दिया और मैंने उसको गेम को डिलीट कर दिया, अब मेरी फाइल्स नहीं मिल रही मुझे। तो गाइस, ये सैडली ये नहीं हो सकता, तुम लोगों की फाइल फिर से नहीं आ सकती, वो चला गया, अब नया बनाओ कुछ। ये था आज का वीडियो, आप सभी को अच्छा लगा होगा एंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।